अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ऑल टाइम सबका फेवरेट पोटैटो स्नैक की बहुत ही अमेजिंग रेसिपी लेकर आई हूँ, जो हर घर में बनाई जाती है और सबकी बहुत ही फेवरेट होती है, एकदम क्रिस्पी और टेस्टी। तो चलिए देख लेते हैं हम ये बहुत ही कम सामान के साथ घर में कैसे बनाएंगे और ये स्नैक्स क्रिस्पी कैसे बनेंगे, हम इसमें क्या चीजें शामिल करेंगे। तो अगर ये आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एकदम क्रिस्पी न्यू स्टाइल से पोटैटो स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले ये हमने 3 अदद आलू लिए हैं। हम इस तरह रफली कटिंग कर लेंगे, इस तरह हम दरमियाने साइज के ये पीसेस में कट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हमने पोटैटो को कटिंग कर लिया है। अब हम बॉइल करेंगे। अब हम इसमें खुला सा पानी डालकर पोटैटो को बॉइल करेंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे ताकि आलू के अंदर अच्छा सा टेस्ट आ जाए। ये आप देख सकते हैं आलू को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से गला लिया है। आप आलू को बहुत ही अच्छे तरीके से गलाइएगा। अब हम स्टेनर में डाल देंगे पोटैटो को और स्पून की मदद से हम ये पोटैटो को मैश करेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल पोटैटो स्मूथ ही चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये हम स्टेनर के नीचे ये सारे पोटैटो आ गए हैं। ये आप देख सकते हैं पोटैटो हमारे एकदम स्मूथ तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। हरे धनिया को हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। और अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे और 1/2 चम्मच हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। और अब हम इसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच मोजरेला चीज ऐड कर देंगे। ये ऑप्शन है, अगर आप नहीं डालना चाहते आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, यानी कि हम स्पून की हेल्प से मिक्स करके एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे। अगर यहाँ आप मैदा भी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, दोनों चीजें आप शामिल कर सकते हैं, कॉर्नफ्लावर भी और मैदा भी। अब हम इस तरह प्लास्टिक चॉपर लेंगे जिसके अंदर हम बैटर को भर लेंगे। ये आप देख सकते हैं प्लास्टिक की थैली में ये हमने बैटर को भर लिया है। अब हम इस तरीके से कॉर्नर को कट करेंगे। अब हम एक ट्रे में बटर पेपर या कोई सा पेपर लगा देंगे और इस तरह हम लंबाई में इस तरीके से फिंगर की शेप में बना लेंगे। इस तरह हम थोड़ा थोड़ा फासले पर बनाएंगे। इसी तरह ये हम तमाम स्नैक्स बनाकर तैयार कर लेंगे। और बनाने के बाद आप तकरीबन 1/2 घंटा फ्रिज में रखते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। अब हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। बेहतर रिजल्ट के लिए आप 1/2 घंटा फ्रिज में रखते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। और अब हम यहाँ फ्लेम ऐसा कर देंगे, क्योंकि हमने एकदम क्रिस्पी बनाने हैं तो इसलिए हम धीमी आंच पर फ्राई करेंगे। हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक गोल्डन कलर नहीं आ जाता। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इस तरह मिक्स करते रहेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह परफेक्ट हमारे ये स्नैक्स रेडी हो चुके हैं। बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ गया है। ये स्नैक्स बहुत ही जल्दी से और झटपट बन जाते हैं और एकदम क्रिस्पी तैयार होते हैं। आप देख सकते हैं, आप ये स्नैक्स जरूर से ट्राई कीजिएगा अपने लिए, फैमिली के लिए। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।